आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट में अदम एतमाद का वोट खोने के बाद इक्तदार से बेदखल हो गए हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद को कोविड से बचाव का एहतियाती टीका आज से लगाया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमतें कम करके 225 रुपये फी डोज कर दी गई हैं। भारत की जरई बरामदात साल 2021-22 में 50 अरब डॉलर से तजावज कर गई है। भारत ने जमात उद्दावा के सरगना हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को दहशतगर्द करार दे दिया है। आज मुल्क भर में पूरे मजहबी अकीदत और जोशो जज्बे के से रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर गुजरात के उमिया माता मंदिर के यौम तासीस की तकरीबात से खिताब करेंगे और भारत ने ग्लासगो में आलमी डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में खवातीन के डबल्स और मिक्स डबल्स में पहली बार खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान में इमरान खान अदम एतमाद का वोट हार जाने के बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से इक्तदार से बेदखल हो गए हैं। अपोजिशन पार्टियों ने 342 रुकनी कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक की हिमायत में 174 वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के अयाज सादिक ने, जो कौमी असम्बली के इजलास की सदारत कर रहे थे, ऐलान किया कि 174 अराकीन ने करारदाद के हक में अपना वोट दिया है, जिसके नतीजे में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोट की करारदाद को अक्सरियत से पास कर दिया गया। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों की जाने से अदम एतमाद की तहरीक लाए जाने के बाद कल निसफ शब में वोटिंग कराई गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरकरार रखा गया था। नतीज के ऐलान के बाद अयाज सादिक ने PMLN के सदर शहबाज शरीफ को ऐवान में बोलने का मौका दिया, जो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। वोटिंग शुरू होने से चंद मिनट पहले कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर और नायब स्पीकर कासिम सूरी के साथ इस्तीफा दे दिया। वोटिंग के दौरान हुक्मरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली में मौजूद नहीं थे। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में ऐसे पहले वजीर आजम बन गए हैं जिन्हें अदम एतमाद के वोट के जरिए ओहदे से हटाया गया है। इत्तला के मुताबिक मुल्क के नए वजीर आजम का ऐलान आज उस वक्त किया जाएगा जब कौमी असम्बली फिर से तलब की जाएगी। कल इससे कबल इजलास, जो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए तलब किया गया था, वोटिंग कराए जाने से पहले कई बार मुलतवी किया गया था। सरकार आज से प्राइवेट टीकाकारी मराकज के जरिए 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के एहतियाती डोज लगाना शुरू करेगी। हर वो शख्स जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है और उसने दूसरी डोज लगाने के 9 महीने मुकम्मल कर लिए हैं, एहतियाती डोज लगाने का अहल होगा। ये सहूलत सभी प्राइवेट टीकाकारी मरकजों पर दस्तयाब होगी। एक रिपोर्ट। मुल्क में 15 साल से ज्यादा उम्र की तकरीबन 96% आबादी को अब तक कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक डोज दी जा चुकी है, जबकि 83% से ज्यादा लोग दोनों डोज ले चुके हैं। 2,40,00,000 से ज्यादा एहतियाती डोज सेहत कारकुनान, पेश रहने वाले वर्करों और 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को दिए जा चुके हैं। 12 से 14 साल की उम्र के 45% बच्चों को भी पहली डोज दी जा चुकी है। सरकारी टीकाकारी मराकज पर पहली और दूसरी डोज के लिए मुफ्त टीकाकारी प्रोग्राम और सेहत कारकुनान, पेश रहने वाले वर्कर और 60 साल से ज्यादा आबादी को एहतियाती डोज दिए जाने का काम जारी रहेगा। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की कीमतों में खातिरख्वाह कमी कर दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला ने बताया कि कंपनी ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत 600 रुपये से कम करके 225 रुपये फी डोज कर दी है।
उन्होंने कहा कि यह फैसला मरकजी हुकूमत के साथ सलाह मशवरे के बाद किया गया है। उन्होंने 18 साल से ज्यादा की उम्र के हर शख्स को एहतियाती डोज लगाने के मरकज के फैसले की भी तारीफ की। भारत बायोटेक की साथी बानी और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा इला ने मरकजी हुकूमत के साथ सलाह मशवरे के बाद बताया कि भारत बायोटेक ने भी प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोवैक्सीन की कीमत 1200 रुपये से कम करके 225 रुपये फी डोज कर दी है। उन्होंने तमाम बालिगान के लिए एहतियाती डोज दस्तियाब कराने के फैसले का भी खैर मकदम किया। भारत में कोविड 19 टीकाकारी की तादाद 185 करोड़ 68 लाख से ज्यादा हो गई है। कल 12 लाख 55 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को अब तक 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है। मुस्तफिदीन के शिनाख्त शुदा जुमरों के तहत सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों, पेश रहने वाले कारकुनों और 60 साल से ज्यादा के उम्र के अफराद को 2 करोड़ 43 लाख से ज्यादा एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। कोविड 19 आलमी वबा की वजह से पैदा होने वाली नकलो हमल की बंदिशों के चैलेंजों के बावजूद साल 2021-22 में भारत की जरई बरामदात 50 अरब डॉलर से तजावज कर गई है। ज़राअत और डिब्बा बंद जरई मसनूआत की बरामदात से मुतालिक तरक्याती अथॉरिटी APEEDA ने 25.6 अरब डॉलर तक ज़राअत और खुराक को डिब्बा बंद करने की मसनूआत बरामदात करके एक तारीख रकम की है। इसके अलावा APEEDA ने 25.6 अरब डॉलर तक जरई बरामदात के जरिए माली साल 2021-22 में 23.7 अरब डॉलर बरामद करने का अपना ही हदफ भी हासिल कर लिया है। DGCIS की जानिब से जारी करदा अबूरी आदाद शुमार के मुताबिक 2021-22 के दौरान जरई बरामदात में 19.92% का इजाफा हुआ। इस तरह जरई बरामदात 50.21 अरब डॉलर तक हुई। जरई बरामदात में खातिरख्वाह इजाफे को किसानों की आमदनी बढ़ाने के हुकूमत के अज़्म के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत जरई और डिब्बाबंद खुराक की मसनूआत की बरामदात को फरोग देने पर तवज्जो दी गई है। हुकूमत ने जरई पैदावार की बरामदात को बढ़ाने के लिए रियासती सरकारों के इश्तराक से 300 से ज्यादा आउटरीच प्रोग्रामों का एहतमाम किया है। दहशतगर्द तंजीम लश्कर ए तैयबा का सीनियर लीडर हाफिज तलहा सईद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून 1967 के तहत एक दहशतगर्द करार दिया गया है। हाफिज तलहा सईद हाफिज मोहम्मद सईद का बेटा और लश्कर ए तैयबा की उलमा शाख का चीफ है। वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि हाफिज तलहा सईद भारत में और अफगानिस्तान में भारतीय मफाद के खिलाफ लश्कर ए तैयबा के जरिए भर्ती करने, फंड इकट्ठा करने, मंसूबाबंदी करने और हमले अंजाम देने में सरगर्मी से मुलविस रहा है। वजारत ने कहा है कि हाफिज तलहा सईद पाकिस्तान भर में लश्कर ए तैयबा के मुख्तलिफ मराकज का सरगर्मी से दौरा करता रहा है और अपनी तकरीर के दौरान वो भारत, इसराइल, अमरीका और दीगर मगरबी मुल्कों में भारतीय मफाद के खिलाफ जिहाद का प्रोपगंडा करता रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो जज्बे के साथ रामनवमी मनाई जा रही है। ये दिन भगवान वैष्णव के सातवें अवतार भगवान राम की पैदाइश पर मनाया जाता है, जो तृतीय युग में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहां अयोध्या में पैदा हुए थे। रामनवमी हिंदू चांद के कैलेंडर के मुताबिक चैत्र महीने के 9वें दिन मनाई जाती है। भगवान राम ने जमीन पर जिंदगी गुजारते हुए जिस तरह आजमाइशों और मुश्किलात का सामना किया था, लोग इसीलिए भगवान राम की पूजा करते हैं। ये दिन चैत्र वसंता नवरात्रि के 9वें दिन के साथ मनाया जाता है, जिसमें लोग माँ दुर्गा के 9 मुख्तलिफ रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धार्थी की पूजा की जाती है और इस तरह उपवास इख्तिताम को पहुंचते हैं। माँ सिद्धार्थी माँ दुर्गा की नवी शक्ल है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने रामनवमी के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने पैगाम में जनाब कोविंद ने तमाम शहरियों से अपील की है कि वो भगवान राम के दिखाए गए रास्ते पर चलें और एक शानदार मुल्क की तामीर का अहद करें। अपने पैगाम में जनाब नायडू ने कहा कि भारतीय रिवायत में भगवान राम
सच्चाई, हमदर्दी, हौसले और नेकियों का पैकर थे। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम का एक नजरियाती राजा, एक ताबेदार बेटे, एक रहमदिल भाई और एक रोल मॉडल की हैसियत से बेहद एहतराम किया जाता है। नायब सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की कि ये रामनवमी आवाम की जिंदगियों में अमन और खुशहाली लाएगी और भगवान राम की दायमी अकदार के साथ उनके सच्चे रास्ते को रोशन करती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में जूनागढ़ के गठियाला में उमिया माता मंदिर के यौमे तासीस की 14वीं तकरीब से खिताब करेंगे। एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रामनवमी पर जूनागढ़ में गठियाला में उमिया माता मंदिर के यौमे तासीस की 14वीं तकरीबात से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ही 2008 में इस मंदिर का इफ्तिताह उस वक्त किया था जब वो गुजरात के वजीर आला थे। 2008 में उनकी जानिब से दी गई तजावीज की बुनियाद पर मंदिर ट्रस्ट ने मुख्तलिफ समाजी और सेहत से मुतालिक सरगर्मियों में अपना दायरा वसी किया था। इस तरह की सरगर्मियों में इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकों के लिए मुफ्त आयुर्वेदिक दवाएं तकसीम करना और आंखों के मुफ्त ऑपरेशन वगैरह शामिल है। उमिया माता कदावा पाटेदार कम्युनिटी की कुल देवी समझी जाती है। अहमदाबाद से योगेश पांडे की रिपोर्ट। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO और भारतीय फौज ने पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका MK-1 एनहांस रॉकेट निजाम EPRS और पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन ADM रॉकेट निजाम का कामयाब तजर्बा किया। पिछले 15 दिन के दौरान मजमूई तौर पर 24 EPRS रॉकेट दागे गए। रॉकेट ने मतलूबा दुरुस्ती और इस्तेहकाम हासिल किए और आजमाइश के लिए तमाम मकासद काबिल इत्मीनान तौर पर पूरे किए। सकाफत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कल शाम नई दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में ललित कला एकेडमी गैलरी में फनून की 62वीं कौमी नुमाइश और संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी परफॉर्मेंस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किद तकरीब में सकाफत के मरकजी वजीर मम्लिकत मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थीं। कल ग्लासगो में आलमी डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत की दीपिका पल्लिकल ने सौरभ घोषाल और जोशना चिनप्पा के साथ मिलकर मिक्स डबल्स और खवातीन का डबल्स का खिताब जीत लिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप, राष्ट्रीय सहारा और दीगर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि जल जीवन मिशन मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार देगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 वर्षों में जिस तरह से नल के पानी के कनेक्शन करोड़ों घरों तक पहुंचे हैं, अवामी उमंगों और शराकतदारी की बेहतरीन मिसाल है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक से मुतालिक खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि पाकिस्तान में गिर गई इमरान खान की सरकार, तहरीक अदम एतमाद के हक में पड़े 174 वोट, PTI मेंबरों का कौमी असेंबली से वॉकआउट। इसी अखबार ने इस खबर को भी नुमाया किया है कि हाफिज सईद का बेटा तलहा भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट में अदम एतमाद का वोट खोने के बाद इकतदार से बेदखल हो गए हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद को कोविड से बचाव का एहतियाती टीका आज से लगाया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमतें कम करके 225 रुपए फी डोज कर दी गई हैं। भारत की जरई बरामदात साल 2021-22 में 50 अरब डॉलर से तजावुज कर गई है। भारत ने जमातुद दावा के सरगना हाफिज सईद के बेटे तरह सईद को दहशतगर्द करार दे दिया है। आज मुल्क भर में पूरे मजहबी अकीदत और जोशो जज्बे के साथ रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर गुजरात के उमिया माता मंदिर की यौमे तासीस की तकरीबात से खिताब करेंगे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।